स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल बाइकर सारजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर 125 नेक्स्ट जनरेशन 2025। जी हाँ दोस्तों, बजाज पल्सर 125 में ज़बरदस्त अपडेट हुआ है और क्या क्या अपडेट होने वाला है 2025 में, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसका मीटर कंसोल फुल्ली अपडेट हो चुका है। ये बाइक 125 सीसी की बाइक है जो कि आपके सामने है और बजाज पल्सर के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं बिल्कुल अस्थिर से। तो भाई दिल थाम के बैठिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। पल्सर 125 के बारे में कंप्लीट जानकारी आप लेने वाले हैं और क्या क्या अपडेट होने वाला है इस बाइक में, क्या प्राइस है अभी के टाइम में और क्या इंजन स्पेसिफिकेशन है, इस बाइक में कितना माइलेज है, कितना पावर है, क्या फीचर्स मिल जाता है, क्या इस बाइक को 2024 में लेना सही है या फिर हम 2025 तक इंतज़ार करेंगे इसका जो न्यू वाला मॉडल आएगा यानी न्यू अपडेट के साथ जो ये बाइक आएगी तो हम उसको लेंगे। सारी कंफ्यूजन और सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, यानी सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आसान शब्दों में देने वाले हैं। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी मैं मोटिवेट भी होता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, सलाम जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है। 40,000 फैमिली, जी हाँ दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइबर नहीं बल्कि आप लोग फैमिली हो। 40,000 यूट्यूब फैमिली बहुत जल्द होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 39,600 यानी 39,000 कुछ ऐसा हो चुका है, यानी 40,000 होने ही वाला है। तो बात करेंगे दोस्तों पल्सर 125 के बारे में। अभी दोस्तों मैंने दो तीन दिन पहले दो वीडियो बनाया है जो कि एक्सट्रीम 125R को लेकर बात किया और होंडा SP 125 को लेकर बात किया, जिसमें कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफ़ी अच्छा दोस्तों आप लोगों ने उस वीडियो यानी उस वीडियो को प्यार दिया है। तो मैंने चाहा कि भाई पल्सर 125 के बारे में क्यों ना बताया जाए, और पल्सर 125 भी काफ़ी मतलब पॉपुलर बाइक है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले इसके अपडेट के बारे में कि भाई कंपनी ने क्या क्या इस बाइक में अपडेट किया है। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो इसमें दोस्तों कार्बन एडिशन दे दिया है, न्यू ग्राफिक्स दे दिया है। अब दूर से ये महसूस नहीं होगा कि भाई ये बाइक 125 सीसी की बाइक है, मतलब दूर से आप देखेंगे तो लगेगा कि भाई बाइक 150 सीसी वाला पल्सर है, लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल 125 सीसी वाला पल्सर है। और साथ में स्प्लिट सीट दे दिया है, जी हाँ दोस्तों, यानी डबल सीट दे दिया है, डबल ग्रैब हैंडल जो, और इसका स्टिकर आप लोग देख सकते हैं और 125 का लोगो, कार्बन एडिशन वाला ये स्टिकर है, टॉप मॉडल है। और जो सबसे बड़ा अपडेट किया है कंपनी ने, वो अपडेट किया दोस्तों इसके मीटर में। जी हाँ दोस्तों, इसका मीटर कंसोल फुल्ली डिजिटल दे दिया है, यानी मतलब न्यू लेटेस्ट मॉडल आप लेंगे तो इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया जाएगा, जिसमें कि दोस्तों स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर अभी के टाइम में वो अपडेट होने वाला नहीं है, ये अपडेट हो गया है। यानी डिजिटल मीटर में स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टेकोमीटर, ये सारा आपको यहाँ पे फुल्ली डिजिटल दिया जाएगा, जिसमें कि आप केवल ब्लूटूथ को छोड़ के सारा फीचर्स दिया है कंपनी। इसमें बताया जा रहा है कि 2025 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देगी। जी हाँ दोस्तों, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अभी फिलहाल नहीं है पल्सर 125 में, बाकी मीटर कंसोल वगैरह यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल मतलब दे दिया है। टायर हैगर भी दे दिया है पल्सर 125 का लोगो, और सीट दिया दोस्तों स्प्लिट में। बात करेंगे इस बाइक के इंजन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंजन में क्या कुछ देखने को मिलता है तो मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको 124.25 सीसी का यहाँ पे आपको एयर कूल इंजन देखने को मिलता है, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SOSC BS6 DTSI का यहाँ पे आपको इंजन देखने को मिल जाता है। इंजन की पावर की अगर बात की जाए तो भाई इंजन में 12 BHP का पावर देखने को मिलता है, यानी 12 PS का पावर देखने को मिलता है 8,500 RPM पर, और 11 NM का टॉर्क देखने को मिलता है 6,500 RPM पर। तो भाई पावर एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा है, और मीटर आप लोग देख सकते हैं, मैं बार बार इसलिए मीटर को दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई अपडेट होकर आई है। आप शोरूम में जाएँ और आप गलती से पुराना मॉडल उठा के नहीं ले आएँ, आपके ध्यान में रहे, आपके जहन में रहे कि आप अगर पल्सर 125 लेने वाले हैं तो आपको ये जहन में रहे कि नहीं भाई, न्यू वाला जो मॉडल है उसका मीटर कुछ इस प्रकार से हमने यूट्यूब में देखा था तो यही वाला मॉडल आप लें। मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई मेरी कोई भी ऑडियंस मतलब लेटेस्ट मॉडल छोड़ के पुराना मॉडल शोरूम से उठा के लेके आएँ, क्योंकि भाई आप वाजिब पैसा देंगे। जी हाँ दोस्तों, और न्यू वाला मॉडल का क्या प्राइस है और जो अभी पुराना मॉडल है उसका क्या प्राइस है, ये भी हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में, तो अभी आप देखते रहिए, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों ब्रेकिंग सिस्टम में कि क्या कुछ देखने को मिलता है। तो भाई ब्रेकिंग सिस्टम में यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है पल्सर 125 में, और रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। 240 mm का डिस्क ब्रेक आगे और 120 mm का ब्रेक, ड्रम ब्रेक पीछे आपको देखने को मिलता है पल्सर 125 में। बाकी लुक और डिज़ाइन पल्सर 150 जैसा देखने को मिलता है, एग्जॉस्ट वगैरह आप लोग सारा लुक और डिज़ाइन बिल्कुल पल्सर 150 जैसा देखने को मिलता है। बाकी क्योंकि भाई बाइक पल्सर है
कॉमन सी बात है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जब से पल्सर 125 आई है तब से भाई पल्सर 150 का मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा दब गया है, यानी पल्सर 125 का जितना अभी सेल है उतना पल्सर 150 का सेल उतना नहीं है मेरे ख्याल से। जी हाँ दोस्तों, तो मैं TVS शोरूम कल गया था और मैंने पूछा था कि क्या अपाची 125 का बार बार कमेंट्स आ रहा है, अपाची 125 क्या आएगी या फिर नहीं आएगी। तो TVS शोरूम वालों ने कहा कि भाई, उन्होंने जो बात कहा वो बात मेरे दिल में आ गया कि मैं, फिर मैंने सोचा कि मेरी ऑडियंस को वो बात मैं ज़रूर बताऊँगा। तो TVS शोरूम के जो ओनर थे उन्होंने कहा कि देखिए, अपाची 125 TVS कंपनी इसलिए लॉन्च नहीं कर रही है, मैं जानता हूं कि ऑडियंस का डिमांड है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि ऑडियंस का डिमांड है, पब्लिक का डिमांड है कि भाई अपाची 125 भी पल्सर 125 की तरह लॉन्च हो, जैसा कि हीरो ने यहां पे 125 सीसी में एक्सट्रीम 195 आर को लॉन्च किया, होंडा के पास SP 195 है, पल्सर है बजाज के पास, तो TVS कंपनी अपाची 125 को लॉन्च क्यों नहीं कर रही है, मैंने ये सवाल किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, कहीं ना कहीं बजाज ने पल्सर 125 को लॉन्च करके गलती कर दिया है। तो मैंने कहा क्यों गलती किया, क्या इसमें मतलब बुराई है पल्सर 125 को जो लॉन्च करके गलती किया है। तो उन्होंने कहा कि मार्केट में पल्सर 150 का वैल्यू गिर गया, यानी पल्सर 125 आई तो पल्सर 150 गायब हो गया, यानी पल्सर 150 है शोरूम में लेकिन वह पल्सर 150 उतना नहीं चल रहा है जितना पल्सर 125 चल रहा है, यानी मार्केट में जितना 125 सीसी में पल्सर बिक रहा है उतना 150 सीसी में पल्सर नहीं बिक रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए TVS कंपनी अपाची 125 को लॉन्च नहीं कर रही है, क्योंकि अपाची 160 का मार्केट में वैल्यू गिर जाएगा। तो ये चीज़ मुझे लगा कि नहीं, आप तक ये बात पहुंचाऊं, तो इसीलिए TVS कंपनी अपाची 125 को लॉन्च नहीं कर रही, जो कि आप लोग बार बार कमेंट्स करते हो, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है, जब भी मैं अपाची 125 के बारे में वीडियो बनाता हूं तो आप लोगों का एक ही कमेंट्स आता है कि भाई अपाची 125 का तो वीडियो मैं एक साल से देख रहा हूं, लेकिन भाई लॉन्च कब होगी, लॉन्च कब होगी, लॉन्च तो होती नहीं है, आप केवल डेट बताते हो या फिर ये बोलते हो कि अपाची 125 आ रही है। तो खैर ये बात है, TVS के ओनर ने कहा है, एक शोरूम है वहीं के ओनर ने ये इस बात को कहा है। तो खैर मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं पल्सर 125 के बारे में कि क्या क्या अपडेट होने वाला है। चलिए मैं आपको एक बार अपडेट बता दूं कि भाई क्या क्या इस बाइक में अपडेट हुआ है, वो अपडेट मैं आपको बता दूं, उसके बाद आगे बात करेंगे कि फिर क्या क्या अपडेट होने वाला है पल्सर 125 2025 में, ठीक है। तो फर्स्ट जो अपडेट है वो अपडेट मैंने आपको बताया कि भाई कार्बन एडिशन, सेकेंड जो बड़ा अपडेट है वो अपडेट हुआ है इस बाइक में डिजिटल मीटर, थर्ड जो अपडेट हुआ है वो हुआ है दोस्तों इसके थोड़ा सा स्टिकरिंग और लुक और डिज़ाइन में, और अपडेट जो होने वाला है, जो अपडेट होने वाला है 2025 में, वो बताया जा रहा है कि भाई LED हेडलैम्प आपको देखने को मिलेगा बजाज पल्सर 125 में। जैसा कि दोस्तों LED हेडलैम्प वाला जो अपडेट बजाज ने किया है वो लगभग हर बाइक में कर दिया है, NS में भी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, NS 125 में LED हेडलाइट कर दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। NS 125 में LED हेडलाइट कर दिया है, मैं यहाँ पर फोटो भी लगा दूंगा NS 125 का। तो NS 125 में LED हेडलैम्प कर दिया है, बाकी पल्सर 125 में बाकी है, वो भी अपडेट होने वाला है बहुत जल्द। उम्मीद है कि 2024 में ही हो जाए, अगर 2024 में नहीं होती तो भाई 2025 में होना ही होना है, क्योंकि भाई कंपनी वक्त के साथ अपडेट रहती है और हमसे आगे अपडेट रहती है कंपनी, जो हम सोचते हैं उससे पहले कंपनी कर देती है। यानी जैसे कि हम लोग सोचे थे कि, हम नहीं सोचे थे कि भाई बजाज पल्सर 125 में इतना जल्दी डिजिटल मीटर वाला अपडेट आएगा और कार्बन एडिशन वाला अपडेट आएगा, लेकिन कंपनी ने बहुत जल्द कर दिया है, यानी डिजिटल मीटर वाला अपडेट कर दिया है और कार्बन एडिशन लुक और डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं क्या चमक रही है, क्या स्टिकर है, बिल्कुल सामने से आप लोग देख सकते हैं, मीटर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें कि सारा यहाँ पे टाइम का फीचर्स बताएगा, फ्यूल गैज का फीचर्स बताएगा, कितना तेल में कितना किलोमीटर तक चल सकते हैं ये सारा फीचर्स बताएगा, माइलेज भी यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देगा, लो फ्यूल वार्निंग, टाइम का फीचर्स तो ऑलरेडी अभी के टाइम में डिजिटल मीटर में बताता है, लेकिन भाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अभी तक कंपनी ने इसमें नहीं दिया है, तो ये सारा फीचर्स है। बाकी दोस्तों बात करेंगे माइलेज के बारे में कि क्या कुछ माइलेज देती है पल्सर 125। तो देखिए सिटी में माइलेज है इसका 50 का, और ग्रामीण क्षेत्र में आप ये चलाते हैं, नॉर्मल आप चलते हैं 40-50 चलते हैं तो भाई 60 तक का माइलेज देगी, इससे ज़्यादा आपको माइलेज नहीं मिलने वाला है पल्सर 125 में। तो माइलेज 200 माइलेज आपके चलाने पर भी ये करता है, कोई भी आप बाइक लें, ठीक है। तो अगर आप उसको सही से नहीं चलाते हैं, पूरा मतलब थ्रोटल लेते हैं और टाइम टू टाइम आप सर्विस नहीं कराते हैं, इंजन ऑयल का ख्याल नहीं रखते हैं और टायर वगैरह मतलब यानी बाइक को मेंटेन नहीं रखते हैं, तो इस सिचुएशन में चाहे वो कोई भी बाइक हो, किसी भी कंपनी की बाइक हो, तो उसमें माइलेज कम देती है। और ठीक ठाक आप सर्विस कराते हैं, टाइम टू टाइम आप सर्विस कराते हैं, बाइक का ध्यान रखते हैं
और तो आपको सही माइलेज देती है, ठीक है। तो कहने का असल मकसद यही है। और हवा भी चेक कराना आपको टाइम टू टाइम, आपको टायर में क्या हवा है उसके कारण भी माइलेज का प्रभाव पड़ता है, चेन स्पोकेट के कारण भी माइलेज का प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सारा कारण है, केवल बाइक ही नहीं ऐसा कारण है कि बाइक माइलेज ख़राब दे रही है, उसका कारण आप भी हो सकते हैं, क्योंकि आप बाइक को मेंटेन रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि बाइक माइलेज देती है, चाहे वो कोई भी बाइक हो। और जितना माइलेज लिमिट कंपनी ने किया है उतना ही माइलेज देती है। कोई मैकेनिक ऐसा नहीं है कि कोई कहता है कि भाई माइलेज हम बढ़ा देंगे या फिर माइलेज हम घटा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। बढ़ा तो नहीं सकता लेकिन घटा सकता है, अगर तेल ज़्यादा वो कर दे या फिर ये जो RPM है उसको अगर ज़्यादा बढ़ा दे तो उसमें गाड़ी मतलब आवाज़ ज़्यादा करेगा तो उसमें माइलेज कम हो जाएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों प्राइस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्राइस वगैरह क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए पल्सर 125 का जो प्राइस है, तो आए दिन देखिए कुछ ना कुछ प्राइस बढ़ते रहता है, चाहे वो कोई भी बाइक हो, सभी बाइक का। तो अभी के टाइम में जो पल्सर का प्राइस है वो प्राइस है दोस्तों 1,10,000 के आसपास में, ठीक है। और पल्सर 125 का, और जो टॉप मॉडल है डिजिटल मीटर वाला, उसका प्राइस है दोस्तों 1,12,000 के आसपास में। और NS 125 भी काफ़ी मतलब पॉपुलर बाइक है, तो NS 125 का भी प्राइस आपको मतलब पड़ जाएगा 1,31,000 के आसपास में। तो ये सारा सिचुएशन है, ये सारा प्राइस है, मैंने आपको बता दिया सिचुएशन नहीं, ये प्राइस है। तो मैंने आपको ऑनरोड शोरूम प्राइस बता दिया है, और एक चीज़ मैं आपको ऑनरोड शोरूम प्राइस तो मैं आपको बता दिया हूँ, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखिए हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑनरोड शोरूम प्राइस में डिफरेंस है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भाई हर जगह का RTO इंश्योरेंस चार्ज में फ़र्क होता है हर एक शोरूम का, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ इसका प्राइस 1,10,000 है, तो भाई कोई ज़रूरी नहीं कि भाई आपके यहाँ भी इसका प्राइस 1,10,000 होगा फिक्स। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मैंने कहा ना कि हर जगह का RTO इंश्योरेंस चार्ज में फ़र्क होता है, जिसके कारण ऑनरोड शोरूम प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अब मुझे अब ये समझना है, मैंने तो आपको बाइक के बारे में सब कुछ बता दिया है, लाइट क्या है, फीचर से क्या है, अपडेट क्या है, अपडेट क्या होने वाला है। अच्छा, अपडेट क्या होने वाला है एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि 2025 में क्या क्या अपडेट होने वाला है, उम्मीद क्या क्या है अपडेट होने का। तो 2025 में अपडेट नहीं बल्कि एड होगा फीचर्स। जी हाँ दोस्तों, इसमें और भी फीचर्स बढ़ाया जाएगा, जैसा कि ABS वगैरह बढ़ा दिया जाएगा फर्स्ट में, सेकेंड में डिजिटल मीटर दे दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड में यहाँ पे आपको बैकलाइट वगैरह LED का देखने को मिलेगा, और फोर्थ में दोस्तों इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे LED का देखने को मिलने वाला है, जो कि मिल सकता है, ठीक है। उम्मीद है बजाज कंपनी से, और उम्मीद है कि बजाज कंपनी कर देगी, क्योंकि भाई हम लोग बजाज से अगर कोई उम्मीद लगाते हैं तो बजाज कंपनी कर देती है। जैसा कि बजाज से हम लोगों ने उम्मीद लगाया था कि 220F को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में फिर से मतलब रिलॉन्च किया जाए, तो बजाज कंपनी ने 220F को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में फिर से रिलॉन्च किया है। तो ये सारा मतलब है, तो ये सारा अपडेट 2025 में होने वाला है। बाकी अभी अपडेट, ये सारा अपडेट नहीं हुआ है, जो जो अपडेट हुआ है मैंने आपको बता दिया कि भाई डिजिटल मीटर हुआ है, कार्बन एडिशन, लुक और डिज़ाइन, सारी स्टैंड कार्ट ऑफ इंजन का सेंसर, ये सारा फीचर्स, स्प्लिट सीट और लोगो पल्सर 125 का लोगो, टायर हैगर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, शोकर वगैरह जो कि आप लोग देख सकते हैं, टेलीस्कोपिक है फ्रंट में, रियर में मोनोशॉक है। तो ये सारा अपडेट अभी है फिलहाल, ठीक है। बाइक नो डाउट बहुत अच्छी बाइक है, माइलेज वगैरह प्राइस वगैरह मैंने आपको बता दिया, अप्रोक्स वही न्यू वाला मॉडल का पड़ जाएगा 1,12,000 से लेकर 1,13,000 तक। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में मैंने जहाँ तक हुआ वहाँ तक मैंने आपको अपडेट और रिव्यू देने की कोशिश की है। बाकी अगर आप डिमांड करोगे कि भाई नेक्स्ट वीडियो कौन सी बाइक पर होगी, तो वो भी हम आपको बताएंगे। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर।